सब परमेश्वर से सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं चना और मेथी का पुलाव। इसके लिए ये मैंने घी डाल दी है और हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट में बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। जब तक हमारा प्याज जो वो ब्राउन हो जाए, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन को पीस लो। ये हमारा प्याज जो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। प्याज ब्राउन हो गया तो थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। नमक, बड़ा मिर्च और तीखी लाल मिर्च। मेरे पास 3 किलो चावल है, इसलिए मैंने मसाला उसी हिसाब से डाला है। टमाटर डाल दूंगी, 1/2 किलो मैंने चने लिए। चने को मैंने अच्छे से गाल ली है, हमारे चने जो गले हुए होने चाहिए। 3 फोर्क के करीब मैंने मिर्ची ली। साथ ही ये गरम मसाला भी डाल देंगे और अच्छे से मिर्ची बनाई कर लेंगे। और अब हमने मिर्ची अच्छे से बनाई कर लेनी। वो हमारे चने की बनाई हो गई और अब मैं इसमें मिर्ची डाल दूंगी। साथ ही ये मैंने इमली, इसको 2-3 पानी धोया था और उसके बाद मैंने इसको भिगो दिया था। इमली भी हमारी मेथी भी मैंने अच्छे से भून गए, मैंने अच्छे से बुनाई कर ली। और मेरे पास 3 किलो चावल है और मैंने इसमें 5/2 किलो पानी डाल दिया। मैंने 2 किलो पानी डाल दिए। Thank you.
मैंने इसको 15 मिनट का अब मैंने इनको 15 मिनट के लिए दम पे रख देना। अब हम इनको 15 मिनट के बाद देखेंगे। हमारे चावलों को 15 मिनट हो गए थे, ये देखिए बहुत अच्छे चावल बने हैं।